अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों पब्लिक रियलिटी में खुश आमदी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियाज और जद्दा में मुकम्मल कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। तो दोस्तों सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुकम्मल कर्फ्यू के बाद रियाज और जद्दा में जज़्वक़्ती कर्फ्यू के हवाले से सवाल का जवाब दिया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज में जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारत सेहत के तर्जमान से पूछा गया था कि क्या वजह है कि दो बड़े शहरों मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया और दूसरे दो बड़े शहरों रियाज और जद्दा में 3 बजे से इक्तफा किया जा रहा है। तर्जमान ने यह बात तस्लीम की है कि रियाज में कोरोना के मुतासरीन की तादाद मक्का मुकर्रमा से ज़्यादा है जबकि जद्दा में कोरोना के मुतासरीन तादाद में मदीना मुनव्वरा से कहीं ज़्यादा है। तर्जमान ने बताया कि कर्फ्यू के सिलसिले में मुकर्रर मियार मुख्तलिफ हैं। मुमकिन है कि एक छोटे कर्बे में 100 अफराद कोरोना से मुतासर हों और किसी दूसरी जगह कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद इससे ज़्यादा हो और वह रकबे के लिहाज से बड़ा हो। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने मजीद कहा कि सूरत हाल इस वक्त भी तब्दील हो जाती है जब किसी एक जगह कोरोना वायरस से एक दिन में ज्यादा अफराद मुतासर हो रहे हों और दूसरे मुकाम पर मुतासरीन की तादाद ज्यादा हो लेकिन एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ज्यादा अफराद मुतासर हुए हों। तर्जमान के मुताबिक इस हवाले से कई और भी पहलू हैं। एक पहलू यह है कि आया कोरोना के मुतासरीन का तल्लुक बैरून मुमल्कत से आने वालों से या मुतासरीन पहले इस मर्ज में मुबतला अफराद से मिलने जुलने की वजह से वायरस का शिकार हुए हैं। एक पहलू ये भी है कि मुतासरीन किसी अलग थलग जगह रह रहे थे या करनतीना में थे। इन तमाम अमवार को मजमूई तौर पर देखने के बाद ही जुज़वी या मुकम्मल कर्फ्यू का फैसला किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।